अरे दोस्तों, वापस स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को बदल सकता है। आज हम इंडिया में चल रहे डिजिटल गोल्ड रश के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा अवसर है जो हर किसी के लिए खुला है। सोचो, हर महीने 2 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा कमाओ, वो भी घर बैठे बैठे। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही सच्चा भी है। नामुमकिन लग रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से संभव है अगर आप सही दिशा में मेहनत करें। डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ आप अपने ज्ञान, हुनर या जुनून को एक प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस में बदल सकते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां संभावनाएं अनंत हैं। इंटरनेट ने संभावनाओं की एक नई दुनिया खोल दी है। अब आप अपने घर से ही वैश्विक बाजार तक पहुंच सकते हैं। लोग जानकारी और समाधान के लिए भूखे हैं। वे उन लोगों की तलाश में हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। वो कीमती कंटेंट और सुविधाजनक सेवाओं के लिए पैसे देने को तैयार हैं। यह आपके लिए एक बड़ा अवसर है। यहीं पर डिजिटल प्रोडक्ट्स काम आते हैं। ये प्रोडक्ट्स न केवल उपयोगी होते हैं बल्कि इन्हें बनाना भी आसान है। ईबुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, एप्स, टेम्पलेट्स और भी बहुत कुछ, ये सब डिजिटल प्रोडक्ट्स के उदाहरण हैं जिनमें कमाई की बहुत संभावनाएं हैं। आप इन्हें अपने हिसाब से बना सकते हैं और बेच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, शुरुआत करने के लिए आपको किसी फैंसी ऑफिस या बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। आपको बस एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और सही सोच की जरूरत है। ये सब कुछ आपके पास पहले से ही हो सकता है। यही डिजिटल युग की खूबसूरती है। ये आपको अपनी शर्तों पर काम करने की आजादी देता है। हमारे पास अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत है। ये एक ऐसा अवसर है जिसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। क्या आप अपनी किस्मत लिखने के लिए तैयार हैं? यह आपके हाथ में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ही पहला कदम उठाएं और अपने डिजिटल बिजनेस की शुरुआत करें। एक कामयाब डिजिटल प्रोडक्ट बनाने का पहला कदम है अपना नीचे ढूंढना। यह वह क्षेत्र है जिसमें आप सबसे अधिक रुचि रखते हैं और जिसमें आप सबसे अधिक योगदान कर सकते हैं। आपको किस चीज का जुनून है? यह सवाल आपको सही दिशा में ले जाएगा। आप किन परेशानियों का हल निकाल सकते हैं? यह जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि एक अच्छा डिजिटल प्रोडक्ट वही है जो किसी समस्या का समाधान करता है। अपने हुनर, शौक और विशेषज्ञता के क्षेत्रों के बारे में सोचें। यह आपके प्रोडक्ट को और भी प्रभावी बना सकता है। हो सकता है आप कोडिंग में माहिर हों, फोटोग्राफी के शौकीन हों या फाइनेंस के झांता हों। हर क्षेत्र में एक अनोखा अवसर छिपा होता है। एक बार जब आपके पास कुछ आइडियाज आ जाएं, तो उन्हें परखने का समय आ गया है। ये सुनिश्चित करें कि आपके विचार व्यावहारिक और उपयोगी हैं। देखें कि आपके प्रोडक्ट के लिए लोग हैं या नहीं। फीडबैक लेना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बना सकें। अपने नीचे से जुड़े ऑनलाइन कम्युनिटीज, फोरम और सोशल मीडिया ग्रुप्स को देखें। यहां से आपको बहुत सारी जानकारी और प्रेरणा मिल सकती है। क्या लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं या ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिनका हल आप निकाल सकते हैं? यह जानना आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। याद रखें, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मौजूदा प्रोडक्ट को बेहतर बनाना ही काफी होता है। आप हमेशा किसी मौजूदा प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं या एक नया नजरिया दे सकते हैं। यह आपके दर्शकों के लिए बहुत मूल्यवान हो सकता है। कुंजी यह है कि आप अपने दर्शकों को कुछ कीमती दें। यह उन्हें आपके प्रोडक्ट के प्रति वफादार बनाएगा। उनकी किसी परेशानी का हल निकालें, उनकी जिंदगी आसान बनाएं या उन्हें कुछ नया सिखाएं। यही एक सफल डिजिटल प्रोडक्ट की पहचान है। अब जब आपको अपना नीचे मिल गया है, तो अपना डिजिटल प्रोडक्ट बनाने का समय आ गया है। ये एक रोमांचक यात्रा है जहां आप अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। यहीं पर आपकी रचनात्मकता और तकनीकी कौशल काम आते हैं। चाहे आप एक डिजाइनर हों या एक डेवलपर, आपके पास अपने विचारों को जीवंत करने का अवसर है। आप कई तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और हर एक के अपने फायदे हैं। यह आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ईबुक्स नए लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है। यह न केवल आपके ज्ञान को साझा करने का एक तरीका है बल्कि एक स्थायी आय स्रोत भी हो सकता है। इन्हें बनाना आसान होता है और इन्हें अमेज़न, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग जैसे प्लेटफॉर्म पर बेचा जा सकता है। यह आपको वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने का मौका देता है। अगर आपको पढ़ाने का शौक है तो ऑनलाइन कोर्स बनाने के बारे में सोचें। यह न केवल आपके ज्ञान को साझा करने का एक तरीका है बल्कि एक स्थायी आय स्रोत भी हो सकता है।
यूडेमी और टीचेबल जैसे प्लेटफॉर्म आपके कोर्सेज को होस्ट करना और बेचना आसान बनाते हैं। यह आपको अपने छात्रों के साथ इंटरेक्ट करने का भी मौका देता है। जिन लोगों को कोडिंग आती है उनके लिए मोबाइल ऐप डेवलप करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप अपनी तकनीकी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सकते हैं। सोचें कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किन परेशानियों का सामना करते हैं और आपका ऐप कैसे उनका हल निकाल सकता है। यह आपके ऐप को और भी उपयोगी बना देगा। याद रखें, संभावनाएं अनंत हैं। आप जो भी चुनें उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें और सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसा फॉर्मेट चुनें जो आपके कौशल और आपके दर्शकों की पसंद के हिसाब से हो। यह आपके प्रोडक्ट को और भी आकर्षक बना देगा।